हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर में आज अपना चुनावी प्रचार किया। चुनावी प्रचार के दौरान रामलाल ठाकुर ने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ न्यायिक परिसर में मुलाकात की। वही इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में उम्मीदवार रहे लालचंद मस्ताना और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रहे राजकुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इन दोनों को रामलाल ठाकुर ने पटका पहनाकर पार्टी में आने के लिए स्वागत किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर में आज अपना चुनावी प्रचार किया। चुनावी प्रचार के दौरान रामलाल ठाकुर ने बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ न्यायिक परिसर में मुलाकात की। वहीं इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में उम्मीदवार रहे लालचंद मस्ताना और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रहे राजकुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इन दोनों को रामलाल ठाकुर ने पटका पहनाकर पार्टी में आने के लिए स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, अनिल वर्मा, जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर भी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में उम्मीदवार रहे लालचंद मस्ताना ने कहा कि कांग्रेस में आने का कारण राहुल गांधी के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुट होकर आगे काम करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण है कि एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान की रक्षा के लिए, जिसका बीजेपी द्वारा संविधान को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है, और दूसरा माननीय राहुल जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घोषणा पत्र में से प्रभावित होकर के जो है मैं अपनी बीएसपी की पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। ये गरीबों के उत्थान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए, इसी में लोगों की आस्था है। इस करके भारी बहुमत से जो है हम सबको प्रयत्न करना है दिन रात, और माननीय ठाकुर रामलाल जी को हमने पार्लियामेंट में भेजना है। यही एकमात्र लक्ष्य को सामने रख कर के मैंने बहुजन समाज पार्टी से यहाँ कांग्रेस में आज ज्वाइन किया है। वहीं लोक जनशक्ति के उम्मीदवार रहे राजकुमार ने कहा कि शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष दलों का साथ देता आया हूँ, इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन किया है और अब रामलाल ठाकुर को संसद में भेजने के लिए काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष दलों का साथ देता है, शुरू से ही लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी, वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल गए हैं, इसलिए मैं उनसे खफा होके जो कांग्रेस से ज्वाइन कर रहा हूँ, और हमीरपुर से ठाकुर रामलाल जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए कांग्रेस से ज्वाइन की। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर का कहना है कि दोनों पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के विचारधारा एक ही थी, लेकिन कुछ गैप आने की वजह से अलग हुई थी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पार्टी छोड़कर आए नेताओं की अहम भूमिका रहेगी और पार्टी विजय हासिल करेगी। अगर मान लो बहुजन समाज पार्टी और हमारे साथी जो पासवान के साथ थे, वो उनको छोड़ के अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी पार्टियाँ जो है ये कांग्रेस पार्टी से ही खटक बाहर निकले हैं। विचारधारा एक है, और जब विचारधारा एक है और कहीं पे अगर मान लो कोई गैप आ गया है, तो आज की तारीख में अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ लोग और हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, और चुनाव में मैं कहूँगा जो परिणाम है, उन परिणामों में भी मैं कहूँगा इनका बहुत सहयोग मुझे मिलेगा। रामलाल ठाकुर ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर भगवान का रूप है और कब नशे की पौद लगी है इसका हमें पता है, और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही नशे को लेकर विरोध जताया है और विधानसभा तक भी आवाज उठाई है, लेकिन अनुराग ठाकुर बेतुकी बयानबाजी करने में व्यस्त हैं। कि अनुराग ठाकुर जी जो बोलेंगे, कोई भगवान का रूप नहीं है वो। लोगों को सबको मालूम है कि किसने क्या कर रखा है, कब कब ये पौध पड़ी है, कब कब क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसका शुरू से भी विरोध किया है, और अभी राज्यपाल महोदय को
जो ज्ञापन दिया था मैं खुद उसमें शामिल था। विधानसभा में जब कानून लाने की बात आई थी तो मैं भी उसमें बोला था, मुकेश अग्निहोत्री जी भी बोले थे और हमने इस इशू को लेकर हमने वॉकआउट भी किया था। अब तो हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।